हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी सो दोस्तों तारीख है आज 20 जुलाई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का चलिए बात कर लेते हैं मॉर्निंग करंट अफेयर की ट्वेंटीथ ऑफ जुलाई ट्वेंटीथ ऑफ जुलाई आज की डेट है सो आज की डेट का करंट अफेयर क्या, क्या क्या है मैं आपके साथ स्टार्ट कर देता हूँ यूपीएससी सी एस के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों और ये अपने प्लस कोर्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे बाय यूजिंग द कोर्स हु में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट दैट इज द कुरमा मोबाइल ऐप देखो कुरमा मोबाइल ऐप क्या है बेसिकली ये टर्टल को सेव करने के लिए बनाई गई एक ऐप थी इसकी भारत सरकार ने काफ़ी तारीफ की है स्पेशली जो प्रकाश जावड़ेकर साहब है उन्होंने कुरमा मोबाइल ऐप की क्या की है तारीफ़ की है क्या बताया उन्होंने इस ऐप के बारे में क्या नहीं जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से सो कॉन्टेक्स्ट है यूनियन एनवायरमेंट एंड इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर हेल दी कुर्मा मोबाइल ऐप एज अ यूनिक टूल फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इंडियन टर्टल्स केंद्रीय पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए जो कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक अद्वितीय उपकरण के रूप में प्रतिष्ठित किया है कि माना गया है कि कुरमा जो मोबाइल ऐप है ये बहुत यूनिक काम कर रही है फॉर द ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इंडियन टर्टल डिटेल में चलते हैं डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में क्या है ये मोबाइल ऐप जो है ना कुरमा इट वॉज लॉन्च ऑन ट्वेंटी थर्ड मे ट्वेंटी थर्ड मे को क्या होता है दोस्तों इसको दिस दिन होता है वर्ल्ड टर्टल डे द मोबाइल एप्लीकेशन कुरमा वॉज लॉन्च ऑन द ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे कुरमा कुरमा जो मोबाइल ऐप है इसको वर्ल्ड टर्टल डे जो तेईस मई को होता है उस पर लॉन्च किया गया था दिस इयर ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टर्टल डे ठीक है सो द सिटीजन साइंस इनिशियटिव एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ टर्टल एंड टॉर्टल देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ प्रकाश जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब जो हैं जो हमारे यूनियन एन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि कुरमा मोबाइल ऐप जो इट इज डूइंग वंडरफुल एंड द फ्लिश जॉब इन सेविंग द इंडियन टर्टल्स भारत के जो टर्टल्स हैं भारत के जो आपके कछुए हैं उनको बचाने में उनको रेस्क्यू करने में उनकी रिपोर्टिंग के लिए ये जो ऐप है कुरमा ऐप ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है बेसिक

मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं यार बहुत द मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क आई टी सी एन इन कोलेबोरेशन विदर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी मोबाइल एप्लीकेशन को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है सो so, किसके द्वारा डेवलप किया गया इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क एक्शन नेटवर्क आई टी सी एन इन कोलाबोरेशन विदर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इट प्रोवाइड यूजर द डेटा बेस टू आइडेंटिफाई स्पीसीज ये ऐप है इसमें क्या होगा आपने कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखी आप इसको स्कैन करोगे उस मोबाइल की मदद से कैमरा की मदद से तो आपको इसका पूरा डेटाबेस प्रोवाइड कर देगा क्या कि कौन सी स्पीसीज है क्या नाम है इसका कैसी है और नियरेस्ट सबसे पास में जो इसका रेस्क्यू सेंटर कौन सा है इस बारे में भी बता देगा तो पास के अंदर जो आपका रेस्क्यू सेंटर है ना उसके बारे में भी आपको एक कंप्लीट जानकारी दे देगा सो so ये यूजर को एक कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है ऑन द किसके बारे में आपका दोस्तों कि वो जो स्पीसीज है वो कौन सा है और इसका नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कौन सा आप है आपको मैं क्या कह रहा हूं कछुआ दिखा इनको या कोई भी अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अगर आपको दिखती है तो बाई यूजिंग दिस ऐप आप उसमें क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो कि क्या है इसके बारे में डिटेल और नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कौन सा है फॉर अ टल्टल अक्रॉस द कंट्री ये आप चेक कर सकते हो ठीक है तो ये बात समझ में आई पूरी की पूरी सुकुरमा so, ऐप को सरकार ने स्पेशली जो प्रकाश जो हमारे जावड़ेकर साहब है उन्होंने हेल किया है उन्होंने कहा है कि दिस इज गोइंग टू दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक रूल फॉर द ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द इंडियन टर्टल्स ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे वो वर्ल्ड टर्टल डे पे आपका जारी की गई थी एक इंपॉर्टेंट साइंस और आपका इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं सिटीजन साइंस इनिशियटिवस है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको डेवलप किया गया किसके द्वारा इंडियन टर्टल कॉन्जर्वेशन एक्शन नेटवर्क आई इन सी विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या करती है इट प्रोवाइड्स यूजर द डेटा बेस टू आडेंटीफाई एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर अब वट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड द डिफरेंस क्या है पहला बता देता हूं टोर्टॉइज शेल वेयर टर्टल हैव थिनर मोर वाटर जो इनके shells होते हैं ना वो जो ऊपर देखते हो आप ठीक है वो जो ऊपर लगा होता है जिससे प्रोटेक्ट किया जाता है सो so, टोर्टॉइज जो होते हैं ना इनके ज्यादा राउंडेड शेल होते हैं और डूम्ड शेल होते हैं जबकि टर्टल जो है इनके

ठीक है इसके जो आपके आपके जो फोर लेग्स होते हैं आगे वाले जो लेग्स होते हैं वो क्लब लाइक -like होते हैं और पीछे वाले जो होते हैं आर एलिफेंटाइन हिंट्स लेग्स होते हैं टर्टल विल हैव मोर फ्लिपर लाइक लेग्स फ्लिपर्स होते हैं जिससे तैरने में आसानी होती है और वेब्ड फीट वेब फीट होते हैं इनके मतलब वेब बनी हुई होती है जाले टाइप से वेब ताकि इनको तैरने में आसानी हो टोर्टाइज आई ऑफन लार्जर एंड हैवियर टोरटाइज जो होते हैं बड़े और हैवी होते हैं ये छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं देर एलिफेंटाइन हिंड लेग्स हेल्प देम टू मूव अराउंड एंड कैरी एक्स्ट्रा वेट ये जो इसके एलिफेंटाइन देखो एलिफेंट से मतलब क्या है भाई भारे बड़े हाथी हाथी टाइप के जो लेग्स हैं ये इनको मदद करते हैं दोस्तों किस चीज़ में मदद करते हैं आपका टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट इनके जो वेब फिट होते हैं इनको आपका वाटर के अंदर क्रूज करने में मदद करते हैं तो समझ में आई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्टॉइज एंड टर्टल भाई टॉर्टॉइज ज्यादातर समय कहाँ बिताता है पानी में और टर्टल जो है ज्यादातर समय कहाँ बिताता है पानी के अंदर वो पानी के अंदर बिताता है उसके लिए इसके पैर जो होते हैं दे आर वेबड लाइक फिट वेब लाइक फीट, फीट होते हैं उसके और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके इसके आगे के क्लब लाइक फोर लेग्स होते हैं और जो एलिफेंटाइन हिंड लेग्स होते हैं इसके टॉर्टोइज जो होते हैं ये हैवियर होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं टर्टल छोटे होते हैं समझ में आ रही बात अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं सो दोस्तों दिस इज ड्राफ्ट असेसमेंट इससे पहले मैं एक दूसरी न्यूज जो है आपके साथ में वो कवर करने वाला हूं प्राइवेट यूनिट वॉइस कंसर्न्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ द स्मॉल आर्म्स देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं अभी इंडिया का कलेश चल रहा है किसके साथ दोस्तों चाइना के साथ आपने देखा होगा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ठीक है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो बार बार वो क्या कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर बार बार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी जो है उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं बाहर से शॉर्ट टर्म के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जिससे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डी की भी जरूरत नहीं है आपकी अप्रूवल लेने की सो so, प्राइवेट यूनिट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ा रही है थोड़ा गुस्सा कर रही है कि ऐसे कैसे यार अगर ऐसे चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी मतलब हमारा आइटम कौन खरीदेगा हमारा माल कौन खरीदेगा आप सारी चीजों के लिए

प्राइवेट यूनिट्स वॉइस कंसर्न ओवर द इंपोर्ट ऑफ द स्मॉल आर्म्स क्या कह रहा है दोस्तों डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स हैव ओवर द कंटिन्यूंग इंपोर्ट इंपोर्ट राइट्स टू द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह

मैन्यक्चर है एक्सपर्ट इंपोर्ट देखो अमेरिका के एक एक दूसरा, एक दूसरा ऑर्डर दिया गया है राइफलों का और ये ऑर्डर जो है वो आपका स्मॉल घरेलू हथियार निर्माताओं के लिए थोड़ा सा नींद उड़ाने वाला है आर्मी ने बहत्तर हजार चार सौ राइफल जो है वो सिक्स ऑसर से यूएस से इंपोर्ट करने की बात कर लेगी ठीक है कि बहत्तर हजार चार सौ सिक्स ऑसर जो राइफल है वो यूएस से हम इंपोर्ट कर लेते हैं अब इस पे डोमेस्टिक स्मॉल मैन्युफैक्चर कह रहे हैं कि अगर ऐसे करोगे तो हमें तो लिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिल ही नहीं पाएगा है ना वट आर द कंसर्न ऑफ द इंडियन आर्म मैन्युफैक्चर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि भारत के जो हथियार निर्माताएं हैं उनकी चिंताएं क्या है वास्तव में इन अ लेटर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर कंसर्न दैट आस्किंग इट इट आस्किंग इट इज गिविंग डोमेस्टिक कंपनीज द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड एज द फॉरन कंपनीज एंड सपोर्ट मेक इनडियन उन्होंने बोला है कि यार क्या कि जो आप बाहर से जो हथियार मंगवा रहे हो उनको जो आप बेनिफिट दे रहे हो ना एक्स्ट्रा वो इंडियन मैन्युफैक्चर्स को दो भारत के लोगों को दो ताकि जो हमारा डिफेंस जो आपका सपोर्ट मेक इन इंडिया जिसकी आपका प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो डोमेस्टिक को ज्यादा हेल्प करो ऑल्सो देर आर द इंडियन कंपनीज विच कैन नाउ मेक स्मॉल आर्म्स विद ओवर फिफ्टी परसेंट इंडिजिनस कॉन्टेंट एंड वी कैन मैच द प्राइज एंड टाइम लाइन इन्होंने ये, ये भी बोला कि तुम बाहर से क्यों मंगवा रहे हो भाई हो सकता है आप क्वालिटी देख रहे हो हो सकता है आप प्राइस देख रहे हो हो सकता है आप आप कोई और चीज तो वो कह रहे हैं कि हम देखो प्राइस भी मैच कर सकते हैं हम टाइम पे भी सामान देंगे आपको हम आपको कंटेंट भी पचास प्रतिशत जो उसमें माल है इंडिजिनस भारत का ही लगा के देंगे अपना डोमेस्टिक माल लगा के देंगे तो ऐसे में फायदा है ना दोस्तों आपका हाई है, है या नहीं है सो इंडियन कंपनीज ने बोला है कि देखो यार स्मॉल आर्म्स जो है इसमें हम फिफ्टी परसेंट इंडिजीनस माल लगाएंगे कंटेंट हमारा रहेगा डोमेस्टिक कंटेंट रहेगा और हम प्राइज में भी और टाइमलाइन में अगर वो आपको जल्दी बना के दे रहे हम भी जल्दी बना के देंगे तो दिक्कत क्या भैया तुम तो हमें दो ना वो ऑर्डर हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दो नहीं तो हम तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और ये सब करके सरकार को बोला कि आप सपोर्ट दिखाओ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आप बोलते रहो मेक 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 इन इन इंडिया 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 तो बट in से तुम जब बाहर से इंपोर्ट करोगे तो हमारा क्या फायदा इंडियन कंपनीज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर डील्स थ्रू द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट विच इज लिमिटेड टू द फॉरन वेंडर्स करंटली अभी मुद्दा क्या है मैं आपको बता रहा हूं भारत के अंदर ने क्या है अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्स हैं अगर कोई भारत के अंदर में डोमेस्टिक वेंडर है डोमेस्टिक आपका मैन्युफैक्चरर है तो उसको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की अच्छा फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट हम क्यों कर रहे हैं अभी क्योंकि आपको पता है चाइना के साथ में जो हालात हमारे देखे जा रहे बॉर्डर के ऊपर कभी भी युद्ध हो सकता है तो ऐसे के अंदर फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट जो है एक तरफ हम तो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी से भी काम कर रहे हैं हम वार्तालाप कर रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं चाइना से लेकिन देखो चाइना का यार कोई भरोसा नहीं है अल्टीमेट बात क्या चाइना का कोई भरोसा नहीं है तो चाइना जो है वो कुछ भी कर सकता है तो इसीलिए हम हर सिचुएशन के लिए क्या है दोस्तों तैयार हैं तो इसीलिए बात बोली जा रही है और इसीलिए क्या किया जा रहा है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है एकदम फास्ट ट्रैक जल्दी से सब चीजें मंगवाई जा रही है अभी जो फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की जो सुविधा है ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन बाइंग के अंदर है विदेश से माल मंगवाओगे तो यह सुविधा है डोमेस्टिक के, के केस में यह सप्लाई सुविधा नहीं है इद, इद, देर केस कैन ऑल्सो भी मोटो केस अंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आगे बढ़ते हैं दोस्तों डेटा ऑफ एक्सपोर्ट सो फार अंडर सात हजार करोड़ डील इन द फेबर दो हजार उन्नीस विद्स ऑसर ऑफ द यूएस द डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योर्ड बहत्तर हजार चार सौ सिक्स ऑसर सेवन वन सिक्स असोल्ट राइफल थ्रू द एफ टीपी ठीक है एफ टीपी का मतलब क्या अभी मैंने बताया आपको दोस्तों फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट जल्दी से मंगवाया जाए द रिमेनिंग डिमांड ऑफ ओवर सात लाख राइफल वॉज टू बी मेट थ्रू द लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ द रशियन एके

भारत की अब सरकार बाहर से मंगवा रही है तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी उनको हाँ वन सच पी एल आर सिस्टम फॉर्मरली विद कोलेबरेशन ऑफ इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज इन दो हजार सत्रह से फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर देखो पूरी बात आपको क्या है समझनी पड़ेगी है ना और वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको सिंपल बात समझा देता हूं क्या हुआ है प्राइवेट आर्म्स जो है प्राइवेट यूनिट जो है उन्होंने कंसर्न रेज किया है यार कि किस प्रकार से आप बाहर से इंपोर्ट जो कर रहे हो तो डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं उनके इंटरेस्ट को हानि हो रही है कैसे अगर आप बाहर से माल मंगवा रहे हो आप एफ के अंडर में सो अभी अभी क्या हुआ बहत्तर हजार चार सौ राइफल जो है वो मंगवाई जा रही है यूएस के साथ में और ये जो मंगवाई जा रही है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट एफ के द्वारा हो रही है अब ये जो एफ की सुविधा ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस केस में आपका दोस्तों ये फॉरन बायर के फ़ॉरन इम्पोर्ट के केस में बाहर से अगर आपको इम्पोर्ट करना है अगर इंडिया के अंदर में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसके लिए ये चीज़ें नहीं है है ना भारत के अंदर में जो डोमेस्टिक मैनुफैक्चर हैं जो स्मॉल वेपन मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने बोला है कि यार हम उनके प्राइस को मैच कर सकते हैं हमारा जो माल होगा उसमें 50 प्रतिशत इंडिजिनस कंटेंट होगा उनके प्राइस को उनकी टाइमलाइन को हम मैच कर सकते हैं ठीक है ये बात बोली गई है वहाँ पर ठीक है और उन्होंने कहा है कि लेकिन फिर भी आप हमें वो बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे जो उनको जो बेनिफिट आप दे रहे हो है ना ये डेटा है आपका दोस्तों लगभग सात हजार करोड़ की डील फरवरी में हुई थी बहत्तर हज़ार चार सौ सिक्स राइफल के लिए उसके बाद सात लाख राइफल रशियन ए के टू जीरो सेवन टू जीरो थ्री जो हम ज्वाइंटली बनाने वाले हैं इधर भारत सरकार बार बार कह रही थी कि स्मॉल आर्म सेमिनेशन के अंदर में प्राइवेट सेक्टर को लाओ लाओ और उसी चक्कर में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत भारी भरकम इन, इन्वेस्टमेंट भी कर दी पुंज लॉयड जो है इन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर आर्म मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बना था स्पाइट ऑफ डिस्प्लेंग इन द डिफेंस एक्सपो इन लखनऊ दिस ईयर बट विदाउट एनी मेजर ऑर्डर फ्रॉम द आर्म फोर्स और ये जो पुंज लॉयट ने जो बनाया था ना वेपन बनाया था ये इन्होंने रखा भी था इसराइल के साथ मिलकर ये ज्वाइंट डेवलपमेंट था तो ये इंडियन आर्म जो आपका जब लखनऊ में हुआ था ना डिफेंस एक्सपो उसके अंदर ही आर्म्स रखे भी गए थे लेकिन आर्मी की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से कोई मेजर ऑर्डर इसका आया नहीं अभी भी सो इंडियन कंपनीज हैव फैसिलिटीज इन द प्रोडक्शन एंड रेडी टू डिलीवर इफ द इंडस्ट्रीज इज गॉट अ चांस इट विल ओनली अंडरमाइंड द मेक इंडियन शर्टिव ये कह रहे हैं कि अगर भारत की इंडस्ट्रीज जो है ना उनको हल्के मत लो हमारे पास भी कैपैसिटी है वी कैन डिलीवर हम भी डिलीवर कर सकते हैं पर हमें मौका दो दो भाई साहब तो मौका ही दो कि तुम सीधे जा रहे हो फॉर इंटरनेशनल बायर के पास इंटरनेशनल जो आपका मैनुफैक्चर है तो फिर हमें मौका कहाँ से मिलेगा और हमें अगर मौका नहीं मिलेगा तो बात बनेगी नहीं फिर तो बेकार है सारी चीज़ें येस और नो हाँ फिर सारी चीज़ें क्या हैं बेकार है अगली न्यूज की बात करते हैं दोस्तों तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये किससे रिलेटेड है आपका दोस्तों इट्स अबाउट द ब्लैक रॉक मालवेयर ठीक है सो इट्स अ ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक मालवेयर देखो दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर की रॉक से बना हुआ है सो ब्लैक रॉक मालवेयर जो है इससे रिलेटेड है क्या है दोस्तों एक न्यू एंड्रॉइड मालवेयर नेम्ड ब्लैक रॉक हैज बिन डिस्कवर्ड दैट स्टील डेटा सच एज पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम द तीन सौ सैंतीस एप इंक्लूडिंग सम ऑफ द पॉपुलर वंस लाइक जी मेल एमेजॉन नेटफ्लिक्स Uber एंड मोर हो क्या रहा है दोस्तों एक नया आपका मालवेयर आया देखो देख रहे हो आप इसको नाम दिया गया ब्लैक रॉक इससे क्या है दोस्तों ये ऐप ऐप के अंदर से, न, अंदर से से बहुत बहुत जो पॉपुलर है 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 ना उनके भी आपका 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 स्टील कर रहा है, डेटा चुरा रहा चुरा और डेटा कैसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूजर नेम पासवर्ड आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल सारी की सारी चीजें आपका क्या हो रहा है थोड़ा सा चुरा रहा है और ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है अगर मैं ब्लैक रॉक मालवेयर की बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन द लीक्ड सोर्स कोड ऑफ अनोदर मालवेयर स्ट्रेन जिसका नाम था आपका आपका जेर

द न्यू मालवेर इज एनहांस्ड विद मोर फीचर रिलेटेड टू स्टीलिंग द पासवर्ड एंड द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बताया ना मैंने आपको नया मालवेयर जो है ये थोड़ा सा एडवांस है पासवर्ड चोरी कर सकता है क्रेडिट कार्ड के जो वितरण भी विवरण है उनको चोरी कर सकता है ठीक है द मालवेयर स्टील लॉग इन क्रेडेंशियल इंक्लूडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड देखो ये मालवेयर जो है ना आपकी जो लॉग इन क्रेडेंशियल है उनको भी चुरा रहा है जैसे पासवर्ड है आपका ठीक है या अगर मैं बात कर लूँ आपका अदर लॉग इन जो क्रेडेंशियल है यूजर नेम उनको भी ये चुरा रहा है एंड सेंस प्रोमड टू यूजर्स द एंटर द पेमेंट एंड क्रेडिट कार्ड जब आप ये जब मालवेयर से आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में बार बार आपके सामने एक विंडो खुलती रहेगी कि एंटर द क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर द क्रेडिट कार्ड डिटेल पता कैसे चलेगा पता है आपको पता तब चलेगा कि आप एक जेनअन वेबसाइट में जाके पेमेंट करना चाह रहे हो ये तो चलो ठीक है वायरस से इंफेक्टेड है ये ऐप लेकिन अगर मान के चलो आप किसी जेनविन में जो इन्फेक्टेड नहीं है इस मालवेयर से वहां जाके जब आप पेमेंट करोगे ना तो एक अलग से विंडो और खुल जाएगी और वो जो नई विंडो खुलेगी ना जो नई विंडो ओपन होगी ना उस नई विंडो के अंदर में बार बार ये कहेगा कि एंटर पासवर्ड एंटर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तब आपको पता चलेगा यार एक तो ऐप की जो है खुद की जेनविन वो है और एक अलग से विंडो बार बार खुल के आ रही है तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका फोन जो है या आपका जो जो भी डिवाइस है दैट इज इन्फेक्टेड विद द ब्लैक स्टोन मालवेयर सो ब्लैकस्टोन स्टोन मालवेयर एक एडवांस

प्रधानमंत्री का अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिशन 2020 चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम आपका कॉन्टेक्स क्या है पीएम डायरेक्टिव्स इंप्लीमेंटेड नमामि गंगे इंक्लूडेड फॉर द गुड गवर्नेंस गुड कंट्रीब्यूशन बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल फॉर द गंगा रिजोवेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम दो ठीक है समझ में बात को नमामि गंगे इंक्लूडेड फॉर द गुड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स फॉर द गंगा रिजनवेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना आपका लोक प्रशासन के अंदर में किसने अच्छा काम किया उसको एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया जाएगा पीएम अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस की हम बात कर रहे हैं डिटेल में चलते हैं दिस ईयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द पी एम अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू द एफर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल इंक्लूडिंग द नामी गंगे प्रोग्राम पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोग्राम मतलब ये जो आपका पूरा आपका ये जो गुड गवर्नेंस के लिए जो हम प्राइज दे रहे हैं गुड गवर्नेंस की हम जो बात कर रहे हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स जो है ना उनको हम ये आपका प्राइज जो है दे रहे हैं किसके लिए फॉर द नमामी गंगे प्रोजेक्ट के रहे दिस इज एन एग्जाम्पलरी रिकोगशन फॉर द इनिशियटिव टेकन अपर द नमामी गंगे मिशन ये नमामि गंगे मिशन के अंदर में जो एक्जेम्पलरी एक्शन लिए गए हैं गंगा को रिजेनवेट करने के लिए उसके तरफ से उसके लिए अवॉर्ड जो है वो दिया गया है अंडर दिस अवार्ड कैटेगरी वन अवार्ड शेल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ द फिफ्टी सेवन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी अंडर द नमामी गंगे प्रोग्राम जो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में सत्तावन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है ना उनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल को यह अवार्ड जो है वो दिया जाएगा डिटेल में बात कर लेते हैं द स्कीम हैज बीन रीवैम टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टुवर्ड्स द आउटकम इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल पार्टिसिपेशन एंड रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक गवर्नेंस जिला संकेतकों के प्रदर्शन आर्थिक विकास लोगों की भागीदारी और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के दिशा में जिला कलेक्टर के प्रदर्शन के देखने के लिए बेसिकली उनके लिए आपका स्टार्ट किया गया है सो द स्कीम हैज बिन रिवैम्प्ड ये स्कीम रिवैम्प्ड की गई है ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं इनके भी एफर्ट को इनके भी कॉन्ट्रीब्यूट को सराहाया जा सके नॉमिनेशन हैव बीन कॉल्ड इन द फोर मेजर कैटेगरीज चार मुख्य कैटेगरीज हैं जिनमें नॉमिनेशन नॉमिनेशन जो है उसको बुलाया गया पहला क्या है परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोग्राम इनोवेशन जनरल कैटेगरीज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और नमामि गंगा प्रोग्राम इन इन, इन, इन इन चीज़ों के अंदर सो so, गवर्नमेंट की अगर मैं बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर दी एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 2006 टू अक्नोलेज रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनोवेशन वर्क डन बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये अवार्ड जो है 2006 में इंस्टीट्यूट किया गया था लगाया गया था 2006 से शुरू किया गया था किसके लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं <coughs> उनके द्वारा जो एग्जें्पलरी स्टेट गवर्नमेंट का हो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो जो उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं एग्जेपलरी वर्क जो किए गए हैं उनको बेसिकली ये आपका दिया जाता है ठीक है द स्कीम वॉज रिस्ट्रक्चर्ड इन 2014 स्कीम को 2014 में रिस्ट्रक्चर्ड किया गया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन प्रायोरिटी प्रोग्राम इनोवेशन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड वर्क फर्दर री स्ट्रक्चर इन दो हजार बीस टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टूवर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दो में स्कीम को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी हम इसके अंदर में इन्वॉल्व कर सकें इंक्लूड कर सकें फॉर द ईयर दो द स्कोप ऑफ द अवार्ड हैज बीन एक्सपेंडेड टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ओवरऑल आउटकम ओरिएटेड परफॉर्मेंस इन द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस दी सेक्टर दो में आपका इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया फॉर द ओवरऑल आउटकम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस इन द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द सेक्टर्स ठीक है ये बात समझ में आ रही है चलिए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है दैट इज द रिलेटेड टू नेक्स्ट जो न्यूज है वो हम पढ़ लेते हैं और अगली जो खबर रहेगी मेरे पास वो खबर रहेगी किससे दोस्तों नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है सो दिस इज रिलेटेड टू दिस मिगालिथिक एंटीक्टीज सेट टू बी डेट बैक टू 1000 बीसी डिस्कवर्ड नियर कोलूर कॉलूर के पास में एक मेगालिथिक एंटीक्विटीज जो लगभग लगभग बिलोंग करती है एक हजार बी से वो मिली है कैसे ये दिखने में देखो ऐसा एक वर्टिकली स्टोन है यार ऐसा पत्थर सा है खड़ा वर्टिकल स्टोन है तो ये मिला है सो अ मेनी अ अनीर इज अ स्टॉल वर्टिकल प्लेस स्टैंडिंग स्टोन ऐसा ही जो है ना इसको मैनीहिर बोलते हैं लंबा खड़ा हुआ ऐसे पत्थर जो होता है ना सो अ मैनी वर्टिकली प्लेस स्टैंडिंग स्टोन डिस्कवर्ड बाय टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट नियर कोलूर इन उद्दप उदुपी डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली ठीक है सो so, यहाँ पर आपका उद्दुपी डिस्ट्रिक्ट जो है कोलूर का कोलूर इन उद्दुपी डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली वहाँ पर एक मनिहिर जो है इस प्रकार का एक वर्टिकल ब्लॉक जो है ये लगभग 1000 बीसी से बिलोंग करता है तो ये अभी मिला है हमें है ना सो द मनिहिर फाउंड इन द द मनीर फाउंड एट द मुकासुरु बेटा वॉज अबाउट 2.1 मीटर टॉल 55 सेंटीमीटर थिक, 65 सेंटीमीटर वाइड एट द बॉटम एंड 55 सेंटीमीटर एट द टॉप इट वाज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड ओरिजिनल ई सीम टू बी ओरिएंटेड टूअर्स द ईस्ट ग्राउंड पे पड़ा है ईस्ट की तरफ में आपका ओरिएंट कर रहा है अबाउट 40 सच मैनीर वर रिपोर्टेड बाय द रिसर्चर एट द सेवरल प्लेसिज नेमली बैसा उसके बाद निल्सकर एंड उसके बाद बात करें तो हैरागल इन दसेंट होश्यांगर तालुक ऑफ सिवा डिस्ट्रिक्ट ऐसी बात है ऐसे बहुत सारे पत्थर जो है ये पत्थर टाइप है ठीक है एक मेगािथिक स्टोन है आपका ये सो ये ऑब्जर्व किया गया ये मिला है इसको देखा गया इसे पाया गया है और ऐसे बहुत सारे स्टोन जो है वो अलग अलग जगह पर मिले हैं ठीक है अलग अलग जगह पर अ टीम ऑफ आर्कोलॉजिस्ट लेड बाय टी मुरागेसी रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मेनिहार अ कपल अ वेल कट इन राउंड शेप इन हार्ड लेटराइट एंड पोट्री ऑफ द मेगालिथिक पीरियड ऑन द फोटिल्स ऑफ द मुकासरा Beta near the Kolurin Udapi district. The Manihar found in the Koluru and uh, the Koluru could be formed the beginning of the megalithic culture. The exploration sites where the menihar, a tall upright stone of a kind erected in the prehistoric era, was discovered. वॉज वेरी क्लोज टू द कोल्लूर मुकाम्बिका टेम्पल इन द स्टेटमेंट ही सेट टू द मैन हीट अरे मतलब ये पत्थर सा है ना ये मिला है यार दोस्तों ठीक है अब ये मतलब रामायण है बाकी की कहाँ पर मिला है वो याद रख लो ठीक है और कहाँ पर मिला है और मेगालिथी कल्चर को यह क्या करता है आपका दोस्तों डिनोट करता है ठीक है मुकासुरु बेटा हैज़ अ फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द अंडरस्ट स्टोन ये जो मुकासुरा बेटा है ना एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है यूजिंग द अंडरेस्ट स्टोन्स लोकल कॉलेज द मुकासुरा कोटा अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी मुकासुरा वॉज अ डीमन किंग हु वॉज किल्ड बाय द देवी इन द कोलूर टू रिस्टोर द धर्मा एंड हैंस केम टू बी नॉन एज द मुकाम्बिका तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों ये 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 जो जो बेटा है न, ये मुकासुरा कोटा जो है ना कोटा एक एक पुराने टाइम पे डीमन किंग ने मारा था तो मुकाम्बिका ठीक है अगली बात करते हैं हम दोस्तों रक्षसा ये रक्षसा जो है इस का देख रहे आप ये मिला है साइंटिस्ट द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट सुपर जाइंट आइसोपोर्ड स्पेसिस इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन ठीक है साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जाइंट आइसोपोड प्रजाति की खोज की है इस इसकी खोज की है देखो ये रहा कॉकरोच नाम क्या दिया आपका रक्षसा कॉकरोच इसको नाम दिया गया है ठीक है सो बेसिकली ये चौदह लैक का क्रिएचर है इट वॉज फर्स्ट स्पोर्टेड इन 2014 इट हैज बिन रिनेम्ड इसको नाम दिया गया क्यों आपका क्या नाम दिया गया है? दोस्तों बथिनोमस रक्सा क्या नाम ना दिया गया? Raksasa, इसको नाम दिया गया अ न्यू ऑफ कॉकरोच द द इंडियन ओशियन लुक्स लाइक अ क्रिएचर्स एंड अपीयर्स इन द साइंस फिक्शन फिल्म देखने में देखो लग रहा है ना ऐसे जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ऐसे तो खतरनाक टाइप का सा है ना सो बहुत खतरनाक तरीके का ये कॉकरोच है देखने में बहुत मतलब खतरनाक सा लगता है जो साइंस पिक्चर फिल्म होती है ना साइंस फिक्शन की उनमें दिखाया जाता है इट हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड टू द लेजेंडरी स्टॉर वॉर कैरेक्टर डार्थ वर्डर सो कोई कैरेक्टर है आपका डार्क आपका डार्क वर्डर तो उससे इसे मिलता जुलता है तो इसको भी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है ठीक है तो इसको डिस्कवर किया गया क्या है साइंटिस्टनिक सुपर जायट आइसोपोर्ड जिसके चौदह लेग हैं चौदह पाव हैं और ये पहली बार स्पॉटेड किया गया था दो के अंदर इसको नाम दिया गया बाइथोनोमस रक्षसा और एक नई स्पीसीज है कॉकरोच की इट वॉज स्पोटेड इन द बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियन है ना द क्रिएचर वॉज डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर फ्रॉम सिंगापुर सिंगापुर से थे उन्होंने डिस्कवर किया है हुर ऑल्सो कैरिंग आउट अ डीप सी सर्वे नियर द कोस्ट ऑफ बैतन इन जावा बायथोमस बायथनोमस रक्षसा वॉज आइडेंटिफाइड एज अ जाइंट सुपर जाइंट आइसोपोर्ड दे लुक अ लॉट लाइक अ लैंड कॉकरोच बट आर साइंटिफिकली लिंक्ड टू द क्रैब एंड श्रिम्प्स देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भूमि तिलचट्टा जैसा दिखता है और दे लुक लाइक आ लैंड कॉकरोच बट आर साइंटिफिकली लिंक टू द क्रैब एंड स्ट्रीम्स बट साइंस के हिसाब से हम देखें ना तो आपका ये जो झींगा और कीकड़े ना उससे जुड़ा हुआ है कहने का मतलब क्या है सिंगापुर के कुछ साइंटिस्ट ने ये बारह चौदह पहिए वाले चौदह लेग्स वाले इस कॉकरोच की खोज की है, है ना देखने में तो कितना भयानक डरावना सा लगता है और अगर हम देखें इसको तो पुरानी साइंस पिक्चर वाली फिल्म जो होती है ना उनसे रिलेटेड है उनसे उनके टा, का लगता है 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 इसको यहां पर बोला गया है, है। और फिल्म में ऐसा आता है, जो लेजेंडरी स्टार वॉर कैरेक्टर है ना डार्थ वॉर्डर तो उससे इसको रिलेट किया जा रहा है सिंगापुर के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है दोस्तों द जायट कॉकरोच इज नॉन एज द स्केबेंज ऑन द रिमेन्स ऑफ द डेड marine's लाइफ एंड सिंग्स इन द बॉटम्स तो ये मरे हुई जो चीजें हैं ना डेड जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर ये अपने आप पेट भरता है और ये समुद्र के बॉटम के अंदर पाया जाता है मच लाइक द लैंड कॉक्रोच जैसे लैंड कॉकरोच होते हैं ना दे कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट एनी फूड और लंबे समय तक बिना खाने पीने के रह सकता है द साइज ऑफ द आइसोपोड कॉट बाय द रिसर्चर वॉज बीस इंच बीस इंच का है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आइसोपोड डिस्कवर एट अभी तक डिस्कवर किया गया ये दूसरा सबसे बड़ा आइसोपोड है समझ में आ रही बात चलिए दोस्तों ये एक और न्यूज़ है आपका बट इससे पहले मैं आपको एक आपकी न्यूज़ ये वाली बताना चाहूँगा बिकॉज दिस इज मच इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी और न्यूज़ आपके सामने है ड्राफ्ट एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 दोस्तों कोई भी जब नया प्रोजेक्ट लगाया जाता है कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो इस बात की जांच की, की, की जाती है इस बात की पुष्टि की जाती है कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है वो हाँ तो इसके लिए इस संदर्भ में हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अपनाया और एम्पायर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या पहले इसी के बारे में बताना चाहूँगा सो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में देखो अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इंडिया नोटिफाइज इट्स फर्स्ट आई ई ए आई एनवायरमेंट इंपैक्ट असैसमेंट नॉर्म्स इन नाइनटीन सेटिंग अप अ प्लेस और लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज दैट एक्सेस यूटिलाइज एंड अफेक्ट्स एंड दी नेचुरल रिसोर्सेज तो एनवायरमेंट इंपैक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस के तहत में हमने पहली बार एक लीगल फ्रेमवर्क को सेट किया उन्नीस के द्वारा जिससे हम क्या करेंगे हम रेगुलेट करेंगे एक्टिविटीज को ऐसी एक्टिविटीज को दोस्तों जो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट को आपको क्या कर रहे हैं पोल्यूट कर रहे हैं सिंपल बात समझो सरल बात समझो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा पहले उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा उसी के बाद में दोस्तों उसको क्या किया जाएगा स्टार्ट आपका किया जाएगा सो एवरी डेवलपमेंट

Earlier this year, the government redrafted it again to incorporate the amendment and relevant court order issued since 2006 and make the EI process more transparent and expedient. अभी इसको पहले इस साल के अंदर इस जो अर्लियर दिस ईयर इसको थोड़ा सा फिर से रीड्राफ्ट किया गया दोबारा लिखा गया था ताकि 2006 के बाद जो कोर्ट के ऑर्डर जो सरकार ने दिए हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व किए जा सके मुद्दा समझना बहुत कम शब्दों में बताऊंगा उसके बाद आशीर्वाद सर की क्लास आप करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों उन्नीस के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आता है ठीक है सो उसके बाद में उसका एम्पायर एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है सो उन्नीस में आया उसके बाद 2006 में इसको मॉडिफाई किया गया इसमें बदलाव किए गए इसको रीड्राफ्ट किया गया 2006 के अंदर 2006 के बाद में कोर्ट ने जितने भी आदेश और ऑर्डर दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसको दोबारा से रीड्राफ्ट किया गया है

तो इन्होंने क्या बोला है दोस्तों इस इन्होंने बोला है कि यार जो अभी ये आपका जो आपने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रखा है ना इसको विद्रॉ करो और बाद में इसको दोबारा से लेके आओ आफ्टर द ड्यू कंसल्टेशन अपना विचार करना उसके बाद इसको लेके आना द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज इन द कीपिंग विद द प्रो बिजनेस एजेंडा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट वो कह रहे हैं कि ये जो आपने ड्राफ्ट ई आई ये नया लेके आए हो ना ये प्रो बिजनेस एजेंडा को प्रमोट करता है जो बिजनेस माइंड सेट है जो आपकी बिजनेस लॉबी है उसके लिए आपने लगाया है इसे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है पीपल इंटरेस्ट और कंसर्न ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आर द ड्राफ्ट ई आई दो हजार बीस इनका मानना है कि अभी जो ड्राफ्ट ईआई एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट दो हजार बीस वाला है ना इससे एनवायरमेंट का और जो पीपल के कंसर्न है है उनका कोई लेना देना इनफैक्ट इट गिव्स अ लाइसेंस ऑफ फॉर रॉन्ग रॉन्ग डूइंग डूइंग एंड द ये और वायलेशन का लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंसर्निंग इश्यूज क्या है, दोस्तों ये एक बार पढ़ लेना मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सो ये एक बार पढ़ लेना दोस्तों मैं पीपीटी अभी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर सो एक बार इनको पढ़ लेना कि कौन कौन से इशू है जिनके ऊपर ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है ठीक है आशीर्वाद सर की क्लास है तो मैं खत्म करता हूं यार थैंक यू टेक केयर